देखो वार्ता और दौर लगातार जारी है। पीएम तेलविकाले भी काफी लंबी वार्ता चली और आज भी मां मारो पक्ष राख्यो पर मां स्पष्ट रूप में मिलना जिला प्रशासन आज कहे है कि आप कोई ठोस विश्वास महारैया लोग रख ग्रामीण जनाना लिखित रवीना कोई चीज जब तक नहीं दे हो जब तक धरना जारी रहे। जाहिर सी बात है कि आप देखो कि लाला 12 दिन में ये तमाम ग्रामीण जन पूरे क्षेत्र ना लोग आप रही ये उड़न ना आप रही ये जमीन ना बचाने वास्ते बैठे हैं। एक तरफ आप सब बात करा गौरी आप बात करा जमीन रही आप बात करा संस्कृति रही बात करा तमाम चीजा रही और दूसरी तरफ जब मल्टीनेशनल कंपनीज रो ये तरीके रे मीना आतंक जद बदे तो जाहिर सी बात है कि दुख ये पूरे क्षेत्र की जनता ना हो। आज री वार्ता कोई विशेष निष्कर्ष निकले को नहीं है धरनो आगे भी जारी रहे जब तक कोई संतुष्ट पूर्व कोई जवाब नहीं मिले जब तक है संघर्ष जो है जारी। रविंदर सिंह जी आगे कहाँ जाएंगे भैया गांव जाएंगे आगे धरना स्थल पर? बिल्कुल धरने वादा जा ये कोई लाग लपेट को नहीं है और पूरे मजबूती रे भेड़ा में संघर्ष करा और गाँव वाला जो को इतना दिन में संघर्ष कर रहा है यहाँ बीच में छोटा मजबूती आगे रणनीति तय करा आज बुजुर्ग सभा ना बुला बड़ा बुजुर्ग सभा ना मार्गदर्शन आगे करने पुलिस और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर आप क्या कहेंगे? देखो प्रशासन जोर जबरदस्ती तरीके मीना इतने लोगों की आवाज ना दबाने का प्रयास करे पर उन्होंने खुले शब्दों में चेतावना चाहूँ की ये तरीके दादागिरी ये क्षेत्र में चलने को नहीं दिया। आप लॉ एंड ऑर्डर नाम मात है कहीं भी कर लो एक कतई सूरत कोई भी सूरत में ना बर्दाश्त कर क्या लगता है पुलिस का जो भारी जाप्ता वहाँ इमदाद भेजी गई? बिल्कुल आप भारी जाप्ता लगाओ सब चीजें करो सब ये जमीन वास्ता लड़ाई है। आप सोचो कि साथ साथ पीडीएम जी का माथा दीना है आज वो जमीन है कह के छोड़ दो हमारे साहब यहाँ लोग पशुधन के जा है लोग के जा है ये तरीके में ना आप बढ़ रहे हो अतिक्रमण कर रहे हो अब तरीके में ना कतई सूरत कोई भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करा। आप देखो कि रामगढ़ वाले ये पूरे क्षेत्र है मेरा हजारों लाखों बीघा जमीन जो है यह एक्वायर कर ली आप यह मुलाना द्वारा वाले ये क्षेत्र में ना जाओ हजारों बीघा यह एक्वायर कर ली सिंचित जमीन एक्वायर कर ली धीरे धीरे सोडान रही और बढ़ रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज ये तरीके रो रवैयो कतई स्वीकार्य को नहीं है। कई सारा लोग इतना दिमाग संघर्ष करता पड़ा पर हर बार हमारी आवाज ना दबा दिया कोई अगर विरोध करने वास्ते आ गया है तो पुलिस वाला हुई जगह हुआ ना घेरे करे और हुआ ना दबा दे लोकतंत्र मीना ठीक को नहीं। जाहिर सी बात है कि मैं जनप्रतिनिधियां या लोगों का साथ सहयोग और आशीर्वाद माना मिली है यहाँ बात ना कोई भी सूरत नहीं ना आपने रात्रि विश्राम भी वहां पे किया है? बिल्कुल सब रात रुका क्या ऊपर सब यहाँ बदौलत में पहुंचे आज जे खड़ो हाँ ये जो गाइड दिया बड़ी है यहाँ लोगों की बदौलत खड़ो तो यहाँ वास्ते जेल के भी मातो देने बड़े मातो दे मजबूती में खड़ा पुलिस का कहना है जिन लोगों को डिटेन किया गया बिल्कुल वार्ता वास्ता माना बुलाया और वो कहो कि आप पे वार्ता करा व्यवहारो भी मान लो है कि वार्ता में ना कोई ना कोई घड़ी निकले कर वार्ता रो राज रहो चाहिए तो वहाँ वार्ता करी। डिटेन किए दो लोगों को कल छुड़ाया था उसके बाद पुलिस ने भी देखो आप स्पष्ट रूप में सुनता पड़ा कि वो टाइम जो मान्य जो भी अधिकारी था वो कहो कि वहाँ गिरफ्तार कौन करे वहाँ तो बस उन्होंने बिठाया है तो वहाँ नॉर्मली उन्होंने बिठाया है और जाहिर सी बात है इतना इतना लोगों ने मीना जब देखे ना जीप में मीना बिठा हो करो तो मैं उन्होंने कहा कि ये में एक नेगेटिव मैसेज जाए पैनिक क्रिएट हुआ आम लोगों के बीच में तो आप ये ना फ्री कर दे तो उन लोग फ्री करे नॉर्मल चीज है। उसके बाद तो पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया है पुलिस प्रेस नोट जारी कर दी उन्होंने जो को करना है जो सफाई देना देना दे उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़े माना जो को काम कर लू मैं आज क्या लगा वार्ता में? देखो अब तक कोई निर्णय तक पहुंचा को नहीं जो कोई निर्णय मत पहुंचा तो नहीं आप लोग काम करो मैं डेवलपमेंट कोई भी तरीके में खिलाफ करूँ आप मजबूती में काम करो आप बढ़िया ये अबार जो तो प्लांट आ रही है ये करते बेवड़ो प्लांट आप पर कम से कम आप फोरन रही जो भगवान नाम जमीन आप छुड़िया करता वो निर्णय तो करो ये तरीके में ना तो पूरे जमीन जा है लेन में के जा जैसलमेर वासी जो को आग बिठा है यार की स्थिति विचार करना पड़े वैसे मंत्रणा करनी पड़े साहब आने जो पीढ़ी उसे वो किया ले साइड जा आज जो वो लड़ाई लड़ा पड़ा ये कोई एक भैया गांव की लड़ाई को नहीं साहब ये लड़ाई ये पूरे क्षेत्र ही है हर आदमी की लड़ाई आज देखो साहब हमेशा जब भी ये धरती रे माथे ये जैसलमेर रे मीना बाड़मेर रे मीना ये मारवाड़ रे मीना आदमी जब
जनमेल तो भेड़ो काल लीर जनगा कर पेल पानी कोने तो जदे संघर्ष करियो हमें थोड़ा घना दिन सुआ आया तो है मल्टी नेशनल कंपनी जा रही या द्वारे मूड़ा ने दिया जब थोड़ा घो पानी आयो और कहीं जीरो सावन होने लागो जितना यहाँ एक्वायर करी हम साहब वो गरीब आदमी यार बात कौन रखे एक साहब आदेश निकलो यार हो गयो साहब ये जो जमीन आती जिके ना ओरन ने नाम आता दर्ज कोनी करी अगर सिस्टम पेल पूरे तरीके में जागरूक रेर कर दी होती तो शायद आज ये नौबत कोनी आती ये चीजा के बारे में सोचना पड़े है सब लोगों ने विचार करना पड़े है और यह जो लड़ाई है ये पूरे क्षेत्रीय हर हुए आदमी री है ये कोई जाति कोई धर्म कोई राजनीतिक पार्टी कोई लड़ाई है हमें तो कोई चुनाव भी कोनी है भैया हमें तो कोई चुनाव होता हुआ तो समझ में आए साहब कोई पॉलिटिकल चीजा चले हूँ तो मैं आप क्षेत्र में ना सोरो बैठा हूँ पर ये तो स्थिति दी थी हमारे लोगों ने ये तरीके में तड़पता देखा तो लागो कि वाकई साहब ये बात ना मजबूती ना खींचा आप वार्ता के लिए अंदर गए थे काफी वारंट पर हमें बाहर खड़े थे उन्हें अंदर भी नहीं घुसने दिया पुलिस द्वारा तो मना ये चीज ठाकुर ने थी और वारंट प्रेमी मजबूत है और इतना लंबे समय में ना संघर्ष कर रहे हैं उन्हें ना धन्यवाद दिया कि यहाँ वारंट रेत की परिक्रमा कराई इतना तमाम चीजें कर रहे हैं तो यहाँ की लड़ाई अब बस हमारी साझी लड़ाई एक बार बची और बुलाओगे हमेशा बोला था धन्यवाद।